मैं भोपाल से हूँ, भोपाल में मेरी पैदाइश हुई 1960 में, और तब पता नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगा, मतलब जाहिर है उस तरह का भी सोचा नहीं था। फिल्म में देखने का ज़रूर बचपन से बहुत शौक था, और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव के दौरान फिल्में दिखाई जाती थी रोड पर बिल्कुल। सो हम लोग ऑर्गेनाइज भी करते थे, फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते थे, तो बहुत फिल्में बिल्कुल बहुत देखता था। मतलब उस टाइम पे गुरुदत्त की फिल्में बहुत दिखाई जाती थी, राज कपूर की जो ब्लैक एंड वाइट फिल्में वो हम लोग बहुत देखते थे। वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई है, और 11th के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी भोपाल में। मुझे लगा था कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं, पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या होगा, बहुत से बहुत आप क्लर्क बन जाओगे, स्टेनो बन जाओगे, इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। सो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, और एक अखबार में मैंने काम करना शुरू कर दिया था, और उसके जो एडिटर थे उन्होंने मुझसे कहा कि यार पढ़ लेना चाहिए और ऐसी प्राइवेट एग्ज़ाम दे दो और कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो। सो मैंने ग्रेजुएशन किया भोपाल में प्राइवेट, जिस प्राइवेट एग्ज़ाम देते हैं आप एज ए प्राइवेट स्टूडेंट, और इत्तेफाक से मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि चलो यार ये भी ठीक है। फिर सेकेंड ईयर फाइनल में बी ए इंग्लिश लिटरेचर पॉलिटिकल साइंस और इसमें किया, और उसी दौरान मेरी नौकरी लग गई थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मेरी नौकरी लग गई थी मध्य प्रदेश कला परिषद, जो गवर्नमेंट बॉडी है वहाँ के संस्कृति डिपार्टमेंट की, और उसमें मैं कलावार्ता मैगजीन का सब एडिटर हुआ करता था, और एक मैगजीन थी पूर्व में बहुत लिटरेरी मैगजीन थी, उसको प्रिंटिंग वगैरह में देखता था। उस टाइम पे कला परिषद है वो उत्सव ऑर्गेनाइज करती थी, तमाम तरह के जो बड़े बड़े दिग्गज गायक हैं, संगीतकार हैं, चाहे बिस्मिल्लाह खान हो, चाहे पंडित रविशंकर हो, तो साथ अमजद अली खान हो, गंगूबाई हंगल हो, मल्लिकार्जुन मंसूर हो, इन सब लोग के फंक्शन वहाँ पे हुआ करते थे, और हम लोग उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता था। तो गाए बगाए ये सारी चीज़ें सुनता रहा, देखता रहा, नाटक होते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आकर के करते थे वहाँ पे जाकर नाटक, तो वो सभी देखता रहता, तो जहन में वो चलता रहा, लेकिन वो कब कहाँ पे क्या काम में आएगा ये नहीं पता। उसी दौरान बहुत से बड़े राइटर्स भी वहाँ पे आते थे लेक्चर देने के लिए, उनमें से एक राइटर थे डॉक्टर नामवर सिंह, और वो वहाँ पे लेक्चर देने अक्सर आते थे, और तब मुझे पता नहीं क्यों ये भ्रम होता था कि मैंने हिंदी लिटरेचर बुक में बहुत जान लिया, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अभी मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब मैंने उनके लेक्चर सुने तो अचानक मेरी आँख खुली, गया कुएँ के मेंढक जैसे हुआ, आपको पता नहीं है कि दुनिया अभी कितनी बड़ी है, लिटरेचर कितना बड़ा है। तो मुझे लगा मुझे इस शख्स से पढ़ना है, नामवर सिंह से, और नामवर सिंह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में प्रोफेसर थे। सो मैंने कहा किसी भी तरह से मुझे पढ़ना है, और वहाँ पे उस टाइम पे एमए के लिए रिटन टेस्ट हुआ होता था और इंटरव्यू होता था एमए में दाखिला लेने के लिए जी में। सो मैं गया और मैंने इंटरव्यू दिया, मतलब रिटन टेस्ट दिया, उसमें पास हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ उसमें भी पास हो गया, तो मैंने ये सरकारी नौकरी छोड़ दी। घर वालों को काफ़ी ख़राब भी लगा, यार अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ देंगे तुम, क्या करने जा रहे हो वहाँ पर। तो मैंने कहा मुझे इनसे पढ़ना है, फिर मैंने पढ़ा, फिर एमए किया मैंने हिंदी लिटरेचर में, और एमफिल किया मैंने वीरदान देथा की कहानियों पर। सो वो वीरदान देथा राजस्थानी भी लिखते, मारवाड़ी, तो मैंने मारवाड़ी सीखी और उनके साथ में ट्रैवल किया पूरा राजस्थान, उन पर मैंने एमफिल की, और फिर मैंने हिंदी साहित्य में मुस्लिम समाज पे मैंने पीएचडी अपना सब्जेक्ट चुना जो मैं कर रहा था। उसी दौरान मेरे को मध्य प्रदेश सरकार से एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई, तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा नामवर जी से कि मैं नौकरी करूँ या अपनी पीएचडी कंप्लीट करूँ, तो बोला पीएचडी तुम कर सकते हो, तुम जाके नौकरी कर लो। सो मैं मध्य प्रदेश आ गया, तिलका नेहरू में मेरी पहली पोस्टिंग थी, फिर दूसरी पोस्टिंग रायसेन जिले में थी, लेकिन 2 साल में ही मैं टीचिंग से बहुत तंग आ गया। मुझे लगा ये क्या है, वही सिलेबस मुझे बार बार पढ़ाना पड़ेगा, वही चीज़ें रहेंगी, वही रिपीटेशन होगा। सो वो मैंने छोड़ दिया, और उस टाइम फिर मैं गाँव घूमा और फोकलोर कलेक्ट करने लगा। वहाँ पे फिर मैंने 2 साल संडे मिल में नौकरी करी, और उसके बाद में फिर 1 साल फ्रीलांसिंग करी संडे ऑब्जर्वर के लिए, और तब शेखर गुप्ता ने मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे बात करी, और इंडिया टुडे में नौकरी लग गई मेरी एज ए सब एडिटर, मैंने ज्वाइन कर लिया। उसी दौरान मेरे दोस्त हैं इंडिया टुडे में थे, तरुण देशपाल उनका नाम है, जो अभी तहलका मैगजीन के एडिटर है, उन्होंने कहा मेरे 2 दोस्त हैं संजय मोहित सत्यानंद, वो एक ORS के घोल पर कुछ फिल्म बनाना चाहते हैं, 30-30 सेकंड की फिल्म है, तुम लिख दोगे इसके। तब तक मैं सरदार हाशमी के साथ में, अशोक चक्रवर्ती के साथ में, उदय प्रकाश के साथ में थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट का काम मैंने किया था। सो एक हल्का सा मुझे आइडिया था कि हाँ शायद मैं कर दूँ, मैंने कहा हाँ मैं कर दूँगा, वो अच्छा लगा। फिर उस दौरान उन्होंने संजय राय ने मुझसे कहा कि यार एक जी टी वी
का एक चैनल और शुरू हो रहा है, उसका नाम है एलटीवी, और उसके लिए तुम्हारे पास कोई कंसेप्ट हो फिक्शन का तो दे दो कुछ। और मैं वो दुनिया जानता रही थी, मुझे पता नहीं था कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है और किस तरह का होता है ये लोग करके, लेकिन मैं ये चक्कर लगा रहता कि दुनिया जानता था। और उस टाइम इंडिया टुडे एक मैगजीन हुआ करती थी और उसकी एक राइवल मैगजीन हुआ करती थी संडे, जिनके बीच में काफ़ी कॉम्पिटिशन हुआ करता था। सो मैंने दो फिक्शनल मैगजीन क्रिएट करी, उनके स्टाफ क्रिएट किए, और जो राइवलरी होती है, फिर इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है एडिटर की, डेस्क की, रिपोर्टर की, वो सबको लेकर के गढ़ा मैंने, जिसका नाम था न्यूज़ लाइन, वो मैंने प्रेजेंट किया और वो 52 एपिसोड अप्रूव हो गया पहली फुर्सत। सो देन आई लेफ्ट द जॉब इंडिया टुडे, देट वॉज अ फाइनल, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग ये सीरियल बंद हो गया। फिर उसके बाद मैं दूसरा एक सीरियल है भंवर करके, सोनी टीवी पे आता था, वो सब शुरू किया। इस तरह से मेरी जर्नी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की यहाँ से शुरू हुई। पहला सीरियल मेरा न्यूज़ लाइन था, वो मैंने लिखा था, उसके लिरिक्स लिखे थे और सीरियल पूरा लिखा था, स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग। उसके बाद में बहुत सारे पायलट एपिसोड किए जिसमें बदमाश कंपनी वगैरह था, ये भी सब था, और एक बार फिर सीरियल भंवर जो TV18 बनाता था और सोनी टीवी पे आता था, वो सीरियल मैंने, उसके काफ़ी एपिसोड मैंने लिखे, और अमूमन उसमें मैं डायलॉग ही लिखता था क्योंकि स्क्रिप्ट बाकी पूरी टीम करती थी स्क्रीन पे, और उसके डायलॉग ही किया मैंने। उसके बाद में फिर वहाँ पे जब भंवर बंद हो गया था तब मुझे लगा कि अब मुझे फिक्शन ही करना, और दिल्ली में फिक्शन की उतनी गुंजाइश नहीं थी। सो मुझे लगा मैं क्या करूँ, सो मेरे को कुछ पता नहीं था, मेरे को बॉम्बे ही एक पास जगह है जो फिक्शन के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग कह रहे थे कि यार फिक्शन बंद हो गया तो तुम NDTV ज्वाइन कर लो, दूसरे पेपर ज्वाइन कर लो, या कुछ मैगजीन ज्वाइन कर लो, या फिर चैनल ज्वाइन कर लो। मैंने कहा नहीं यार, करना तो यही है, अभी तो मैं वापस नहीं आऊँगा उस दुनिया में। सो आई केम टू बॉम्बे, और करुणा संतानी LTV की हेड हुआ करती थी उस टाइम पर जब मेरा सीरियल शुरू हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बढ़िया तुम आगे हो, अच्छा करते, मैं तुम्हें शख्स से मिलवाती हूँ और तुम करो उसके साथ में काम, उसका नाम मनीष गोस्वामी। तो मनीष गोस्वामी से मैं मिला, और आने के 5 दिन बाद जब मेरी फ़ोन पे बात हुई, दीवा दिन डेली से मैं आ रहा हूँ वापस उसके ऑफिस में, मिला मनीष ने कहा यार मुझे भंवर जैसा ही कॉन्सेप्ट चाहिए TD के, वो सीरियल लिखा। उसके बाद में अनका ही एक उनका सीरियल था, उसमें मैंने कुछ लिखा, किटी पार्टी लिखा, सरकार लिखा उनके सीरियल, और छोटे मोटे कुछ, और फिर ऑन एंड ऑफ जो होते थे Star TV के बेस्ट सेलर्स वगैरह, ये उस तरह की चीज़ें बनाई। नहीं देखिए, TV सीरियल में तो कोई इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं, वो तो वैसे ही आपको डिक्टेट करके पूरा का पूरा बताते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस तरह से। एज फार एज फिल्म इज कंसर्न, फिल्म का बहुत ही आपको ही पता है कि बहुत अलग अलग मीडियम से आते हैं। कई बार डायरेक्टर है सम आइडिया जिस पर वो कहता है यार इस पर काम करते हैं, और अगर आपको आइडिया टच करता है, जैसे मेरी पहली फिल्म धूप, वो रियल लाइफ केस है जिसमें कैप्टन कारगिल वार में उसकी डेथ हुई थी, और उसके पेरेंट्स को मिस्टर नैयर को पेट्रोल पंप मिला, और वो पेट्रोल पंप लेने के लिए उनको कितने पापड़ बेलने पड़े, कितनी जद्दोजहद उठानी पड़ी, कितने झगड़े झेलने पड़े, और किस जिद के कारण उन्होंने कहा कि रिश्वत नहीं दूंगा लेकिन पेट्रोल पंप लेके रहूँगा। वो पूरी की पूरी कहानी थी, तो वो तो रियल लाइफ इंसिडेंट है, तो वो वहाँ से आया था पूरा का पूरा। मैं ना टेलीविज़न करते करते मैं बोर हो चुका था, मुझे लगा कि ये मैं कर नहीं पाऊँगा एज ए राइटर, क्योंकि एक तो क्या होता है कि टेलीविज़न लिखते लिखते मुझे डर ये लगने लगा था कि मैं खुदा होता जा रहा हूँ, क्योंकि एक शब्द आपका चेंज नहीं होता है। रात में आपको बताया जाता है कि कल ये सीन शूट होने हैं, उसके भेज दिए जाते हैं, आपको डायलॉग लिखने रात भर में बैठ करके सुबह आप भेज देते हैं, फैक्स कर देते हैं, वहाँ पर वो डायलॉग एक्टर्स को बांट दिए जाते हैं, वो एक्टर एज इट इज़ बोल देते हैं, ना कॉमा चेंज होता है ना फुल स्टॉप चेंज होता है। सो आपको लगने लगता है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ सब तो सही लिख रहा हूँ, उसमें कुछ चेंज होने की गुंजाइश नहीं। तो कहीं से एक मुझे लगा कि ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा दिमाग में, अगर आपके बैठ गया कि आप जो लिखते हो बहुत सही लिखते हो, उसको कोई चेक बैलेंस नहीं है तो गड़बड़ होगा, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। सो आई वॉज डूइंग वेल, आई वॉज अर्निंग वेल, और फिर मैंने कहा नहीं अब नहीं करना, मुझे अब फिल्म करनी, क्योंकि फिल्म में चैलेंज रहेगा एक उस तरह का रहेगा। सो वो करके मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, और जाहिर है कि बहुत जद्दोजहद फिर फाइनेंशियल और बाकी चीज़ों में उठानी पड़ती है आपको, लेकिन वो आपकी ज़िद और आपकी सोच है आपको करना या नहीं करना, ये आपको तय करना है। धूप का सब्जेक्ट जब आया था तो उस टाइम पे मैंने कहा था मेरी तरफ से कोई भी मदद चाहिए तो कर देना, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया और इसको कहा जाना चाहिए। फाइनली उन्होंने कहा कि यार आप डायलॉग लिख दो, बिकॉज डायरेक्टर की वाइफ
उस टाइम डायलॉग लिख रही थी, उन्होंने कहा कि आप भी साथ में प्लीज उसको लिख दो। सो वो पहली फिल्म मेरी धूप उस तरह से आई थी साथ में। आफ्टर धूप मेरे पास एक और फिल्म आई थी, मैंने गांधी को नहीं मारा, ये फिर गुडू धनाबाई प्रोड्यूसर है, उनकी तरफ से एक फिल्म आई थी सिस्टियाँ, जिसके डायरेक्टर अश्विनी चौधरी जिनकी सेकेंड फिल्म थी। उसके बाद में फिर सुधीर ने मुझे बुलाया था, सुधीर के साथ में मैं कुछ काम वाम कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि हर बार कहानी बनी और कुछ सिलसिला जमा नहीं। और उस टाइम वो सुधीर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कर रहा था, तो उसने कहा यार ये गाँव के कई सीन हैं और मेरे को समझ में नहीं आ रहे, तो तुम गाँव के सीन मेरे को लिख कर दे दो। ही एंड शिव सुब्रमण्यम और रुचि लिख रहे थे फिल्म की स्क्रिप्ट, तो गाँव के सीन फिर मैंने लिख करके उनको दिया। उसी के साथ में सुभाष कपूर हैं, वो आए थे, उनकी पहली फिल्म थी से सलाम इंडिया, उसमें मैंने फिर उनके डायलॉग वगैरह लिख करके दिए। तो उसके बाद में ये सिलसिले चलते गए कि मतलब और फिल्में मिलती गई और फिल्में आती। आम कलाम का ये था कि ये नील माधव पांडा की पहली फिल्म थी, उसके पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उनका था ये फिल्म करते थे। उस टाइम में हम लोगों ने एक फिल्म में काम किया था, यूथ सेंट्रिक फिल्म थी, लेकिन वो टल गई। फिर आम कलाम का आइडिया आया, तो उसने कहा बच्चों की एक फिल्म करनी, तो मैंने कहा यार एक चीज़ तय है कि मैं प्रीची फिल्म नहीं लिखूँगा, क्योंकि बच्चों का, आज के बच्चों को अगर बताया जाएगा बेटा ये करो बेटा वो करो, तो मारेंगे पकड़ा करके। सो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि आम कलाम साहब की मैंने बायोग्राफी पढ़ी हुई थी, और उसमें एक जगह थी जहाँ पे उसमें था कि जो वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल की फ़ीस भरने के लिए न्यूज़पेपर बांटा करते थे। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया कि यार ये अगर वो बच्चे को देख रहा हो, कोई बच्चा जो ढाबे में काम करता है, उसको लगे कि ये आदमी पेपर बांट करके भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैं भी कुछ ना कुछ तो बन ही सकता। दैट वाज द बेसिक प्रिमाइस। और फिर ये भी था कि बचपन में मैं घर से भाग गया था, पिताजी की मार के डर से, पता नहीं कुछ था मतलब उस तरह के, तो घर से भाग गया, तो डेढ़ दो महीने मैंने ढाबे में काम किया। सो बगैर वही जो बर्तन धोना, कपबशी धोना, ये देना, सर्व करना, उस तरह के जो बच्चे काम करते, और तो वो सारी चीज़ें की थी उस तरह के करके। और चूंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था तो मालिक मुझे पसंद करता था, मैं ग्राहकों से भी थोड़ा सा हेलो सर हाउ आर यू टाइप का एक आध दो अंग्रेजी जुमला बोलता, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टाइप का दो तीन अंग्रेजी जो सेंटेंस आते थे वो बोल देता था। उसकी वजह से जो कारीगर था जो बनाता था समोसे कचोरी जलेबी जो बनाता था, वो मुझसे बड़ा जलता था, उसको लगता था अजीब तरह। तो उसने ये किया था कि गले से पैसे चुरा के मेरे झोले में डाल दिए, और फिर मालिक को बोला देखो तुम इसको बड़ा प्यार करते हो तो चोर है, तो मालिक ने निकाले पैसे तो उसको मिले। मैंने प्रोटेस्ट किया तो उसने ये झगड़ा वगड़ा हुआ उसके साथ में काफ़ी, मालिक ने कहा भी निकल जाओ करके, तो मैंने सैलरी मांगी अपनी, तो कोई सैलरी मेरी नहीं मिलेगी चोर, तो मेरी वो 15 दिन की सैलरी भी उसने नहीं दी, और फिर वो निकाल दिया। और उसी टाइम में बच्चों को भी देखता था जो स्कूल से जा रहे हैं, स्कूल बस आ रही है वो करके, तो मुझे लगा था कि अरे मैं तो अच्छे खासे घर से हूँ, मतलब मुझे क्या करने की ज़रूरत है ढाबे काम करने की, अच्छा खासा स्कूल जाता था क्या करो। फिर मैं वापस आ गया, घर वापस आ गया, और फिर तो वो एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग था मेरी लाइफ का, तो वो मेरे को काम में आया इसमें। दूसरा ये कि बिज्जी पे मैंने चूँकि काम किया था, मेजरान देखा था, मैंने रिसर्च की हुई थी, वो राजस्थान के राइटर हैं, मारवाड़ी में लिखते हैं, तो मारवाड़ी मुझे पता है। और राजस्थान जब मैं इंडिया टुडे में था तो राजस्थान मेरी बीट हुआ करती थी पॉलिटिकल और सोशल रिपोर्टिंग के लिए, मैं राजस्थान बहुत ट्रैवल किया, और राजस्थान में ट्रैवल किया तो रजवाड़ों को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और वहाँ राजस्थान बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो रजवाड़े जो है 14th century 21st century में साइमल्टेनियसली रहते हैं, मतलब वो अभी भी राजस्थान हुकूम वैसे करके अखंड वही रहेंगे, लेकिन हेरिटेज होटल चलाते हैं क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, तो मैंने कहा ये एक ऐसी प्रिमाइस में कर देता हूँ कि जिस पर ढाबा है, ढाबे में एक बच्चा काम करता है और एक राजा का बच्चा है, और वो करके फिर मंडल कमीशन के दौरान बहुत डिबेट हुई थी कि भाई ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मतलब रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। उस टाइम मेरा तर्क ये करता था कि भाई आप एजुकेशन किसे मानते हैं, है ना, मैं शहर का बच्चा हूँ तो मुझे रबी की फसल नहीं पता, खरीफ की फसल नहीं पता, मैं पेड़ों पर देख करके उसका नाम नहीं बता सकता, मैं खाद का नाम नहीं बता सकता, कौन सी खाद क्या है, कितनी कैसी डालनी चाहिए, मैं गुड़ाई किसे कहते हैं, उसको कैसे कहते हैं, करना कैसे चाहिए, हल कैसे चलाना चाहिए, उस बच्चे को बता। तो वो एजुकेटेड है उस मामले में, उसको अंग्रेजी नहीं आती तो अनएजुकेटेड इस मामले में, मुझे वो नहीं आता तो मैं अनएजुकेटेड उस मामले में, सो लेट्स मीट दीज पीपल टुगेदर। वो दोनों बच्चे मिलते हैं, वो कहता है कि तुझे घोड़े पर चढ़ना आता है, तो ऊँट की दवा करनी आती है, पैरेलल। तो वो उस तरह से बना बना के गढ़ करके फिर वो पूरी पूरी कहानी बनी थी। चूँकि मैं इसका क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था इस फिल्म का, सो बता हम लोगों ने देखी दाखी जगह, और ये फिल्म हम लोगों ने अप्रैल में शूट की है बीकानेर में, मतलब 45 डिग्री
45 डिग्री 46 डिग्री, बिकॉज जिस हवेली में हमने शूट की भैरव विला है वो बीकानेर पैलेस के एकदम अपोजिट है, और इसे हेरिटेज होटल, इसे हेरिटेज होटल है, और ये हमें सिर्फ अप्रैल में ही मिल सकती थी, क्योंकि उसके बाद में मई जून के बाद में सीज़न शुरू हो जाता, तो वो जो एक एक कमरे हैं वो 5-5, 6-6 हज़ार में जाते हैं। सो और उसी में हमको रहने का भी मिला था, उसी में शूट करने को मिल गया था, तो जो प्रिंस थे वो बहुत हेल्पफुल थे हमारे, तो वो बहुत मज़ेदार उस तरह का हो गया था। तो जाहिर है कि ऐसी फिल्म आती है और ऐसी फिल्म चलती है और लोग अप्रिशिएट करते हैं, और मेरे लिए तो ये भी बहुत प्लेजेंट था कि जब मैं वेरा गुड फिल्म फेयर जब कॉम्बिनेशन में बाकी नाम देख रहा था तो मैं तो डर गया यार, दिल्ली वैली ये वो डर्टी पिक्चर, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इनके बीच में आप कहाँ टिकते हो। लेकिन दे गेव दिस प्राइज, तो कई लोगों ने मुझे बोला कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता कि कहानी को तुम्हारे को जेन्युइन मिला, फिर हमारे इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं था। नहीं देखिए, मेरे पास तो उस टाइम पे ना तो किताबें थी अवेलेबल उस दौर में, और 2000 तक में भी बहुत मुश्किल था मतलब किताबें और स्क्रिप्ट वगैरह अवेलेबल होना। तो बेसिकली शुरुआत में तो मैं लगभग उस तरह से लिखता था, ऑडियो एक तरफ वीडियो एक तरफ, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि फॉर्मेट क्या होता है, मतलब इनिशियली जब मैं लिख रहा था वहाँ पर। धीरे धीरे देख देख करके मुझे समझ में आया कि नहीं फॉर्मेट ऐसा होता है या इस तरह की चीज़ें होती है, इस तरह से लिखना कि सीन ऊपर लिखना है, ये करके फिर लिखना है। तब भी मैं चूँकि कंप्यूटर में लिखता था तो मतलब मेरा वो आदत बन चुकी थी, कहाँ से लिखने की आदत जा चुकी थी, क्योंकि उसमें स्पीड और वो सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो फिर वो वहाँ पर जा करके मुझे समझ में आया कि अच्छा दिस द फॉर्मेट, धीरे धीरे करके कुछ करके फिर धीरे से मुझे कुछ किताबें मिली और उस तरह से कुछ वेबसाइट मिली जिनमें जा करके आपने स्क्रिप्ट देखा और समझ में आया। उसके बाद में जा करके मुझे पता पड़ा था देयर इज सॉफ्टवेयर कॉल्ड मूवी मैजिक फाइनल ड्राफ्ट, जो बताता कि एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है, इंटरनेशनल फॉर्मेट क्या है उसका। सो देन आई वो मैंने डाउनलोड किया, तो वो मैंने ख़रीदा बकायदा और फिर वो डाउनलोड किया, और फिर मुझे समझ में आया अच्छा हाँ दिस द वे स्क्रिप्टिंग का एक सेंस होता है जो टेक्निकल फॉर्मेट है उसको। क्राफ्ट मुझे लगता है कि मैं कहूँगा कि जितनी भी ट्रेनिंग हुई मेरी, चाहे वो म्यूज़िक देखने की हो, चाहे जर्नलिज्म की हो, चाहे नाटक देखने की हो, चाहे ट्रैवल करने की हो, चाहे गांव गांव घूम के फोक लोर कलेक्ट करने की हो, कहीं ना कहीं वो सब हर किसी ने मुझे बड़ी हेल्प करी। उस तरह से वो सारी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल आई हैं जहाँ पे आपको लगा कि हाँ इस तरह से आप इसको इवॉल्व कर सकते हो, इन चीज़ों को ये कर सकते हो। आप संगीत को जानते हो, आप संगीत को समझते हो, आप नाटक को समझते हो, भाव को समझते हो, नृत्य में आप बहुत सारी चीज़ों को भंगिमाओं को समझते हो, तो कहीं ना कहीं आप जब लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में तो कहीं ना कहीं गाये बगाए बिना सोचे बहुत ही अनकॉन्शियस लेवल पे वो कहीं ना कहीं वर्क करते हैं, तो शायद वो क्राफ्ट का उन तमाम चीज़ों को बहुत बड़ा योगदान है। तिग्मांशु के साथ मैं काफ़ी पहले एक बार मिला था, और तब के सेरा सेरा में या उस तरह से बातचीत चल रही थी, तब भी के सेरा सेरा के लिए फिल्म कर रहा था, तिग्मांशु भी साइन था। तो तिग्मांशु ने एक बार मुझे बुलाया, उसने कहा यार एक फिल्म लिखते हैं साथ में करके। सो मैंने उससे बिल्कुल मैंने पूछा, तिग्मांशु अपने आप में बहुत ही मुकम्मल राइटर और बहुत बढ़िया राइटर, मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा यार तुम्हें क्या ज़रूरत है, अपने आप में बहुत मुकम्मल नहीं यार करते साथ में, ऐसे ही कुछ हुआ तो वो वर्कआउट नहीं हुआ था उस तरह। फिर काफ़ी दिनों बाद में फिर एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, बोले यार मिलते हैं ना। तो फिर उसने बताया करके, बोले कि यार मेरे पास सिर्फ ये एक पेज की स्टोरी है, संडे मैगजीन में छपी है पान सिंह तोमर के ऊपर, संडे मैगजीन आनंद बाजार पत्रिका वालों की हुआ करती थी और कैलकटा से छपती थी, तो उसमें एक पेज की स्टोरी थी कि एक धावक था जो नेशनल रिकॉर्ड जिसका था, और पान सिंह तोमर उसका नाम था, और चंबल का रहने वाला था, आर्मी में था, और उसके बाद में वो बागी बन परिस्थिति हो चल रही। तो यार ये स्टोरी तुम बताओ क्या लगता है। तो मैंने कहा चेक पॉट है, इतनी खूबसूरत कहानी है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। चूँकि मैं भोपाल से हूँ, चूँकि वो एरिया मेरा देखा वाला है, तो शायद उसको भी ये लगा, दूसरा मेरा जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है तो उस वजह से लगा, बोले लेकिन रिसर्च बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। मेरा टाइम लगता है, टाइम देते हैं ना, अगर एक अच्छी कहानी है और अच्छा वर्क है तो उसमें टाइम देना भी चाहिए। और तो वो वहाँ से हम लोगों की शुरुआत हुई, उसने कहा कि ये यूट्यूब स्पॉट बॉय जो है वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो रिसर्च के लिए बिल्कुल समय देने को तैयार है और आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस देने को तैयार है। उसके बाद में हम लोग यहाँ से चंबल गए हैं, पहली बार चंबल गए और चंबल में घूमे फिरे, उस गाँव में गए, गाँव का नाम पता था कि भिड़ोसा एक गाँव है जहाँ पे पान सिंह तोमर का घर है, उस गांव में गए तो उस गांव में वो परिवार नहीं रहता, क्योंकि चंबल में आज भी जो है वो दुश्मनी सदियों तक चलती है आज की डेट में। सो वो गांव वहाँ पे नहीं रहता, वहाँ के लोगों से पूछताछ करी, कुछ पता चला कुछ नहीं पता चला, कुछ बिल्कुल वेग वेग चीज़ें थी
अब पुराने बागियों से हम लोग मिले, मोहर सिंह वगैरह से। मोहर सिंह से के से जब बातचीत कर रहे थे तो उनसे थोड़ा बहुत पता चला कुछ कुछ, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तब भी हमारे पास कुछ नहीं। फिर उसी सर्किट हाउस में जहाँ उससे बात कर रहे थे, वहाँ का जो चौकीदार है उसने हमें बताया कि जी पास में एक गाँव है जहाँ पर उनका एनकाउंटर हुआ, वहाँ पर आपका वहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। तो हम उस गांव में गए और उस गांव में जाकर के भी पता चला, तो लोग जो पंच था वो हमें मिला नहीं था, लेकिन ये पता चला कि हाँ यहाँ पे हुआ, थोड़ा बहुत पता किया उस गांव के बारे में, पता किया उस तरह की चीज़ पता किया। फिर पता चला कि उनका परिवार के कुछ लोग हैं अभी वहाँ पे, तो उनको ढूंढना शुरू किया। इस पूरी प्रक्रिया में उस सारी इन्फॉर्मेशन लेने में, परिवार से मिलने में, तमाम इन्फॉर्मेशन निकालने में सारे दिन 2 साल लग गए। मतलब हम एथलीट से मिले तो उनके साथ के जो एथलीट्स थे अधिकतर की डेथ हो चुकी थी, कई जो है वो सेनाइल हो चुके थे। हम गए और जाकर हम बात करते हैं तो उनसे बातचीत करके उनके बहू ने आगे वो बताया कि आप जो कह रहे हैं आप पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिएगा इसमें, क्योंकि इनको पता नहीं है क्या बोलते हैं, तो भूल जाते हैं, इनको इनकी स्मृति जो है गड़बड़ हो चुकी है। तो तब हमें जाकर पता चला, वो उनके साथ स्विमिंग की कोच हुआ करते थे। आर्मी में हम जाकर के हम लोग आर्मी में जाकर मिला, मिल्खा सिंह से हम लोग मिले, मिल्खा सिंह के साथ में थे वो उसी रेजिमेंट बंगाल रेजिमेंट में, और ये लोग साथ में टोक्यो भी गए ईशान में। सो उनसे मिले, उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ के स्पोर्ट्स से मिले। पटियाला में कोच है, उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो उनके तरफ से भी हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता पड़ी। सहारनपुर गए, पूरे 2 साल लगे इस फिल्म की रिसर्च में, और उसके बाद में फिर 1 साल हमको लगभग इसकी राइटिंग में लगता है। सो लगभग 3 साल में ये स्क्रिप्ट तैयार हुई। जी 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 जी, वो आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक तो क्या है कि बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि परिवार अगर आपका है उस तरह का है, तो कई चीज़ों को लेकर के कई चीज़ें हैं कि जो ड्रामेटिक मोमेंट या कुछ उस तरह के मोमेंट हैं जो ऑलरेडी ज़िंदगी में है, उसको आपको ऑल्टर नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ और मोमेंट हैं जिनको आपको बिल्डअप करना पड़ता है, आपको सिनेमेटिक उस तरह का लेना पड़ता है। जैसे बहुत सिंपल सा एक मोमेंट है कि जिसमें वो कहता है कि आइसक्रीम घर में दे करके आ जाना, अगर पिघलने के पहले घर तक पहुँच गए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और वो हमें दिखाना था कि ये धावक कितना तेज़ है, कितना पैशन है इसको दौड़ने के लिए। मतलब उसको पता नहीं है कि वो दौड़ता है, उसको तो ये है कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं तो दौड़ रहा हूँ, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा। तो वो पूरा का पूरा रेस उसकी नापना, चीज़ों का डालना, तो कहीं ना कहीं हम ये जिता रहे थे कि बाधा दौड़ के लिए बॉडी इसकी फिट है, ये बाधा दौड़ सकता है। 3000 मीटर हर्डल रनर थे वो। सो वो सब दिखाने के लिए, वो मोमेंट दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ फिक्शन गढ़ा। जापनीज गर्ल जो उसमें हम लोगों ने दिखाई, वो एक फिक्शन का पार्ट था हमारा। सो मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हम लोगों ने गढ़ी उसमें। तो वो जाहिर है कि चेक बैलेंस करके आपको रखना पड़ता है कि आप थोड़ा बहुत जहाँ पे ड्रामा और जहाँ पे उस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व है, जहाँ थोड़ा बहुत ह्यूमर भी आ सकता है, उसमें आप कैसे फिक्शन को डाल सकते हैं। देखिए क्या है कि पहली चीज़ तो ये है कि ये फिल्म जो है राइटर का मीडियम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो टीवी है वो राइटर का मीडियम है, जो थिएटर है वो एक्टर का मीडियम है, और सिनेमा जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है। सो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको डायरेक्टर के विज़न को समझना है, आपको उसको सप्लीमेंट करना है, आपको उसको सपोर्ट करना है। आपका अपना जो विज़न है आप अपनी फिल्म बनाएंगे, वो एक अलग चीज़ है मसला। तो एक तो वो चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कॉमर्स है, इट्स नॉट प्योरली आर्ट। तो वो कॉमर्स के जो सिद्धांत है, कॉमर्स के जो रूल्स हैं, ग्रेजुएशन है, वो भी आपको कहीं ना कहीं समझना है। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसके पहले पांच ही कमर पहले बनी है लेकिन रिलीज़ नहीं हुई, उसके बाद में हम लोगों ने मिलकर के दूसरी फिल्म बनाई साहब बीवी और गैंगस्टर। और ये फिल्म उसकी सफलता के कारण, साहब बीवी गैंगस्टर बहुत छोटे बजट की, कम बजट की फिल्म थी, लेकिन वो चली उसकी वजह से उन लोगों को लगा ये फिल्म अब रिलीज़ कर देनी चाहिए। और इसलिए आप पोस्टर अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है फ्रॉम द मेकर ऑफ द साहेब बीवी गैंगस्टर पान सिंह तोमर, फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ सर, तो उस तरह से पूरा दिया। पान सिंह तोमर का चलने से एक चीज़ जो सबसे बड़ी हुई कि एक तो क्या है बायोपिक पे फिल्में बन सकती, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है कि कम बजट की फिल्में चल सकती, इस सब तरह के सब्जेक्ट पर कही जा सकती, तो 10 और फिल्में खड़े होने की गुंजाइश बन गई। लेकिन अगर ये फिल्म फेल होती कॉमर्शियली, तो आप ये सोचिए कि 10 ऐसी फिल्में और बंद हो जाती, अरे यार इस सब्जेक्ट मत करो, ऐसी फिल्म नहीं चलती, देखा ना पान सिंह का क्या हाल है। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, और इसमें कोई वो नहीं है अनटिल अनलेस कि आपका जो प्रोड्यूसर है, आपका जो डायरेक्टर है, वो बहुत ही बाहियात या बहुत बहुत ही बेतुकी सी कोई चीज़ करा, वो वहाँ पे डिसीजन आपको लेना एज ए राइटर कि यू वांट टू स्टैंड देयर, यू वांट टू वॉक अवे, यू वांट टू वॉक अवे विद प्रोटेस्ट, और यू जस्ट वांट टू लीव।
ये तो आपको तय करना है एज ए राइटर, ये आपका ज़मीर क्या कहता है आपको अपने हिसाब से तय करना है। मेरे सामने कभी इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आई, और जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर मैं काम नहीं कर पाऊँगा या ये कहानी मेरे दिल पर नहीं छुएगी, मैं वॉकआउट करके आया हूँ और मैंने बाकायदा साइनिंग अमाउंट भी रिटर्न किया है। सो ये आपको तय करना है। देखिए बहुत सिंपल सा था उस टाइम पर, यह था कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग दौर था बिकॉज 5 अक्टूबर बन के रिलीज़ नहीं हुई, और एक तो वो था, दूसरा ये था कि हम लोगों को लगा है कि यार हम भी बनाते हैं फिल्म उस तरह से। तिग्वांशु का ये कहना था कि कम बजट की फिल्म बनाते हैं यार, कुछ करते हैं। पहले ये भी तय हो रहा था कि 40-50 लाख की फिल्म बनाते हैं, तो बेसिक आइडिया ये था, यहाँ से शुरू हुआ था कि 40-50 लाख में फिल्म बनाते करते हैं कम बजट पर करके देखते हैं क्या होता। सो यहाँ से आइडिया था। तो बहुत सब्जेक्ट हम लोगों ने सोचे कुछ नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। अचानक मैं बिकॉज गुरुदत्त की ये फिल्म मैंने पता नहीं कितने बार देखी है पता उस तरह से, और इनकी बहुत सारी फिल्में। मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था कि मुझे लगा कि जैसे अगर 2012 में यूपी के बेडलैंड में क्या साहब वैसे ही साहब होगा, है ना, क्या उसी तरह का होगा, क्या अभी बीवी वैसी बीवी होगी कि पति का चरणों का पानी पी करके अपने माथे पे लगाया और पिए उसको। मैंने कहा वो नहीं होगी, अगर ये अपनी कीप के पास जा रहा है तो उसकी अपनी सेक्सुअल डिज़ायर वो आज की औरत है। तीसरा मुझे लगा कि गुलाम तो आज कोई नहीं होगा, तो वो क्या होना चाहिए, तो वो कैरेक्टर कैसे होंगे, उनके बीच की केमिस्ट्री क्या होगी, किस तरह का होगा, ये बेसिक प्रिमाइस है। तो वो एक तरह से मैं कहूँगा कि वो साहब बीवी और गुलाम जो है, या विमल मित्र के उपन्यास, या गुरुदत्त साहब की जो कहानी, या अपराध रवि साहब का फिल्म है वो, तो वो मेरे लिए स्प्रिंग बोर्ड बना जंप करने के लिए यूपी में, यूपी के बैडलैंड में। सो फिर आई न्यू अबाउट दिस पीपल ऑल्सो रॉयल्टी, जिनकी माली हालत बहुत ख़राब है लेकिन मेंटेनेंस वही है, दिखाना उनको वैसी पड़ता और उनकी कदर भी इलाके में वैसी रहती, मतलब अभी भी हुकूम, अभी भी तमाम तरह की चीज़ें वो रहती। तो यहाँ से शुरू किया, तो बेसिक प्रमाइस ये था बात। मुझे लगता है कि अगर सीख लें तो बहुत बेहतर है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपको मदद मिल जाएगी उस तरह की, लेकिन उसको अनलर्न करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या होता है कि कई बार आप कुछ चीज़ें पता कर लेते हैं, कुछ जुमले जो है आप रट लेते हैं उसको, और फिर आप उनको अप्लाई करना चाहते हैं, वेर इज़ द कन्फ्लिक्ट, व्हाट इज़ द कन्फ्लिक्ट, तो आप उनको ज़बरदस्ती जस्टिफाई करना चाहते हैं। अगर आप पुरानी फिल्में देखें, पुराने स्क्रिप्ट देखें, या पुराना कहने का तरीका देखें, बहुत सहज भाव में पूरी की पूरी फिल्में चली जाती हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत खूबसूरती से लेकर के निकल जाती हैं। बी आर चौहान साहब की इतनी सारी फिल्में हैं जिसमें आप देख लीजिए, मतलब ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में आप देख लीजिए, विमल दा की फिल्में देख लीजिए, तमाम लोगों की फिल्में आप देख लीजिए, मतलब बहुत सहज भाव से कहते हुए निकल जाती है, बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्राफ्ट में आप बहुत ज़्यादा जगह फंस जाएंगे और कहानी कहना भूल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया कि कभी जो कई यंग राइटर का मैं देख रहा हूँ, अब इंटेलिजेंस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया कि चलो दिखाते कुछ उनका, चलो कुछ फनी सा करके दिखाते, विच इज़ फाइन, वो बढ़िया है, उसमें एक जगह पर वो सीन में बहुत फ़नी सा हो गया, लेकिन पूरे फिल्म के क्राफ्ट में क्या वो फ़नी है या नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए क्या होगा कि सलीम जावेद के बाद में फिर एक बहुत बड़ा गैप रहा है राइटर्स के बीच में, अगर आप उस तरह से देखा जाए, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये रही है कि सीधे DVD से कॉपी करना शुरू कर दिया गया, बिल्कुल विशुद्ध रूप से, सीन बाय सीन, फिल्म बाय फिल्म, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम, बहुत सारी फिल्में आप देख सकते हैं जो कॉपी कॉपी कॉपी। उस पूरे दौर में हुआ ये है कि राइटर ने अपनी इज्जत खुद ही कम कर ली, क्योंकि ही वॉज राइटिंग, पैसे उसको चाहिए थे, घर भी चला रहा, तमाम चीज़ें करनी, प्रोफेशन ऐसा चुना, वो करते गए तो लगभग राइटर की इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि यार इसका काम क्या है, कॉपी तो करता है, तो बेहतरीन एक तरह से आप कहें कि वो पहले चिट्ठियाँ लिखने के लिए जो बाहर लोग बैठे रहते थे वो हो गया कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ये लिख रहा। सो चिट्ठी तो आपने बोली है ना, सो आपकी हो गई, तो DVD की कॉपी दी, तो उनका ये कर क्या रहा है, तो सिर्फ जॉट डाउन कर रहा है, इसकी कहाँ इज्जत, तो उसकी इज्जत कम हुई। हुआ ये कि पिछले दशक में थोड़ा सा बेहतरी ये हुई है कि जितने बॉलीवुड के स्टूडियो हों उन्होंने अपनी दुकानें यहाँ पर खोल ली, कॉर्पोरेट आ गए, उस वजह से ये होगा कि स्यू करने लगे, वो लोग स्यू करने लगे। तो अभी इसलिए आप देखेंगे कि अभी हम लोग साउथ का राइट्स ले रहे हैं साउथ की फिल्मों को, या फिर हम बॉलीवुड, मतलब हॉलीवुड की फिल्मों की भी राइट्स लेके कर रहे हैं, और इसलिए अभी राइटिंग की भी कदर होने लग गई है और राइटर्स की भी कदर होने लगी कि भाई ओरिजिनल कहानी लेकर के आओ, ओरिजिनल चीज़ें लेके आओ।
वही वजह है कि कहीं ना कहीं आप सबको साहबी भी कैंसर जैसी एक कहानी मिलती है जो नए तरह की होती है, या पांसिक डोनर मिलती है, या विकी डोनर मिलती है, या फिर कहानी मिलती है, या फिर आप इंग्लिश विंग्लिश मिलती है, तो इस तरह की फिल्मों की आप देख रहे हैं कि नए तरह की फिल्में आ रही हैं और जो सराही जा रही है बिल्कुल उस तरह से, और नया तरह का कहना है, सो वो धीरे धीरे अभी बेहतर होगा। दूसरी चीज़ जो मुझे लग रहा है कि वो एक असर्ट करने वाली भी बात होती है कि आपको खुद भी असर्ट करना पड़ेगा। मेरा पूरा जद्दोजहद यह है कि जब मुझे यशराज की फिल्म का पोस्टर देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि प्रोड्यूस बाय आदित्य चोपड़ा, रिटन बाय जयदीप सहनी, डायरेक्टेड बाय वॉट एवर इट इज़, तो उसमें तीन लोगों के नाम ऊपर आते हैं, उसके बाद में बाकी लोगों के नाम आते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो धीरे धीरे वो सारे जगह पर आए, वो खुद को भी असर्ट करना पड़ेगा, हर राइटर को करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि उसको अपनी राइटिंग में इतनी ताकत लानी पड़ेगी कि सामने वाला माने उस चीज़ को। मुझे नहीं लगता है सलीम जावेद साहब जब जाकर के नरेशन देते होंगे या उस तरह करते होंगे वो कहते होंगे ये चेंज कर लो, नहीं किया। मतलब शोले एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब शोले महीने भर तक की नहीं चली थी तब उनसे कहा गया था एंड फिर भी मौका है रीशूट करके चेंज कर देते, दे वर फर्म, उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ चेंज नहीं करेंगी, ये ऐसी चलेगी फिल्म चलेगी। वो जो एक कन्विक्शन है, वो जो एक वो चीज़ है, वो एक हर राइटर को भी लानी पड़ेगी। वहाँ पर अगर आप कमज़ोर होते हैं, वहाँ पर उस तरह के विषय होते हैं, तो राइटर एसोसिएशन एक मूवमेंट चला सकता है, एक शुरुआत कर सकता है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस द राइटर हु इज डीलिंग डे टू डे विद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर असर्ट हिमसेल्फ एट द सेम टाइम। नहीं, मेरे ख्याल ये हिंदुस्तान में ही है, मुझे लगता है ये बाहर शायद उतना नहीं है। बाहर मतलब अगर नॉवल के राइट्स लिए जाते हैं उसका नाम दिया जाता है, कई बार नॉवलिस्ट साथ में बैठता है स्क्रिप्ट राइटर के, क्योंकि ये हमारे यहाँ ही है कि वो शायद इस वजह से शुरू हुआ था कि शुरुआती दौर में बंगाल से बहुत राइटर आए थे, बंगाल से जो आए थे तो उनके पास में उन्हें अंग्रेजी आती थी, बंगाली आती थी, हिंदी नहीं आती थी, तो और इसलिए फिर बहुत सारे उर्दू के जो राइटर थे वो डायलॉग में आए, और ये बंगाली राइटर स्क्रिप्ट लिखते ऋत्विक घटक जो है वो स्क्रिप्ट प्ले राइटर तो उन्होंने लिखे हैं और डायलॉग किसी और ने लिखे, तो ये हमारे यहाँ हुआ। फिर कहानी किसी और की हो गई, उस तरह से हो गए, थोड़ा ये बात रहा है कि आइडिया किसी का आया, किसी को कुछ आइडिया दिया, दूसरे का इसको डेवलप कर दो, उसने अपनी कहानी का शुरू। कई बार ये चीज़ें होती हैं कि तीन अलग अलग हैं, वो कई बार बेहतर, अगर सामंजस्य बढ़िया बैठ जाए तो बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत ही गड़बड़ भी हो सकता है कि मतलब उसने कुछ और लिखा, उसका कहने का मतलब कुछ और निकल गया, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। कई लोग रहते हैं कि वो जो पूरा काम खुद करना चाहते हैं, जैसे मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सहज नहीं होता, मुझे लगता है कि तिग्वांशु दुनिया के अलावा बाकी जगह में मुझे उतना मज़ा नहीं आया ज्वाइंट राइटिंग में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार गाली मिलनी वो भी मुझे मिले, अगर प्रेज मिलना है तो वो भी मुझे मिले। नहीं, मुझे तो अभी बहुत साफ लग रहा है कि अभी मुझे लग रहा है कि अगले 5 या 10 सालों में चीज़ें बहुत चेंज होंगी, इसलिए चेंज होगी कि अभी छोटे शहरों से लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं बहुत, और वो अपनी कहानी लेकर आ रहे हैं। दिक्कत यह है कि जो बॉम्बे के जो है बॉम्बे के जो बच्चे हैं या जो फिल्म फैमिली से जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, उन्होंने अपने माँ बाप की फिल्में देखी या अपने अंकल आंटी या परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली की फिल्में देखी, तो वो जो कहानी लेकर के आ रहे हैं वो फिल्म की कहानी लेकर के आ रहे हैं या उस तरह की कहानी लेकर आ रहे हैं, जीवन की कहानी नहीं है उनके पास, है ना। तो वो जीवन की जो कहानी आ रही है वो छोटे शहरों से आ रही है, और वही कहानी आप देख रहे हैं अभी भी जो फिल्में सक्सेसफुल हो रही हैं वो वहीं से आ रही है, अलग अलग जगह से अभी बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो डिजिटल कैमरे से फिल्में बन रही हैं, सेलफोन से फिल्में बन रही हैं, तमाम तरह की चीज़ें फिल्म बन रही हैं, तो मुझे लगा इन टर्म्स ऑफ राइटिंग ऑल्सो इट विल गो बियॉन्ड एक्चुअल। नहीं, उनके लिए सिंपल ये है कि जितना पढ़ सकते हैं, जितना देख सकते हैं, जितना समझ सकते हैं कब करिए, मतलब ये बहुत ज़रूरी, मतलब और अपने ज़िंदगी को बहुत मज़े लेकर के देखिए, मतलब करके आप जितनी पढ़ाई कर सकते हैं वो पढ़ाई कीजिए, जितना सिनेमा देख सकते हैं, दुनिया का सिनेमा देख सकते हैं, तमाम तरह का सिनेमा देख सकते हैं वो देखिए, अपने आसपास के लोगों का सिनेमा देखिए, और जितना समझ सकते हैं वो भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि सिर्फ देख लिया और पढ़ लिया और समझा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी, अपने तय और अपनी भाषा में कहने की कोशिश करें। नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत मज़े में हूँ, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ पूरे मोमेंट को, और मुझे लग रहा है कि अभी सिनेमा बदल रहा है, चीज़ों का अप्रिसिएशन हो रहा है, मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वेरी हैप्पी अबाउट।